आज हम आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और उस इक्वेशन के बारे में जानकारी देखेंगे और क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं ये भी उससे जानेंगे। ठीक है भैया, तो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक भैया, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो भैया ऑब्जर्वेशन में देखा गया है कि भैया जब तक इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी सॉरी फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के पार नहीं होती, जब तक इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी सॉरी फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के पार नहीं होती तब तक इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता। और आपको बता दूं भैया कि जिन इलेक्ट्रॉन्स की थ्रेशोल्ड के पार फ्रीक्वेंसी होती है उनकी संख्या मात्र 1% होती है या उससे भी कम होती है। 100 इलेक्ट्रॉन निकले गिरेंगे 100 फोटोन आएंगे तो उनमें से मात्र एक ही फोटोन होगा जिसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है भैया, तो ध्यान रखना भैया, अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये क्या भैया इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ इंसिडेंट वेवलेंथ इज लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उल्टी होती है ना भैया, फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, थ्रेशोल्ड से कम होगी, देन फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस, ठीक है, तभी होगा आपका, अदरवाइज आपका फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। ठीक है भैया, अदरवाइज आपका फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। आप देखिए भैया, एक मटेरियल है, इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन्हें क्या कहते हैं भैया, हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं भैया, ये मटेरियल की सरफेस प्रेजेंट है। ठीक है भैया, आपकी एनर्जी आ रही है एच न्यू, ये क्या भैया इंसिडेंट एनर्जी, आपको पता भैया इंसिडेंट एनर्जी में से ये ध्यान दीजिए भैया, ठीक है, और एक बात बता दो, ये जो ये होता है वो लेस देन 1% से भी कम अमाउंट होता है फोटोन का, ठीक भैया, 1% से भी कम होता है, 1% से भी कम अमाउंट होता है उन फोटॉन्स का जिनके पास थ्रेशोल्ड से ज्यादा एनर्जी होती है, ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, उनका अमाउंट 1% से भी कम होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, एनसीईआरटी का डाटा है। ठीक है, तो भैया ये आई आपकी भैया इंसिडेंट एनर्जी, क्या आई भैया आपकी, ये कितना यूज करेगा, डब्ल्यू नॉट के बराबर, यानी वर्क फंक्शन के बराबर तो यूज करना ही करना इसको, है ना, और जो फालतू की बचेगी वो क्या भैया काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आएगा। देखिए भैया, एनर्जी आई इतनी, यूज की इतनी, निकला इतने से, निकलेगा चलेगा, इतनी एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या होगा भैया, निकलेगा चलेगा, फिर उसके बाद चलेगा। तो भैया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते भैया कि टोटल इंसिडेंट एनर्जी दो फॉर्म में यूज होती है, एक क्या भैया निकलने के लिए, दूसरा चलाने के लिए। तो निकलने के लिए क्या भैया वर्क फंक्शन के बराबर, और चलाने के लिए क्या होगी भैया काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है भैया, तो भैया कितनी एनर्जी आ रही है, एच न्यू आ रही है, क्या आ रही है भैया, निकलने के लिए कितना यूज करेगा डब्ल्यू नॉट, और चलने के लिए क्या यूज करेगा काइनेटिक। आपको मैंने बता रखा है परसों वाली क्लास में कि काइनेटिक एनर्जी कॉस्ट में ईवी नॉट के बराबर होता है, याद नहीं याद है, अगर काइनेटिक को जीरो करना है तो इतनी बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन ऑलरेडी निकाल रखा है, एस्टैब्लिश कर रखा है इस रिलेशन को, तो एच न्यू कोई दिक्कत नहीं भैया, डब्ल्यू नॉट क्या होता है, एच न्यू नॉट के बराबर होता है, डब्ल्यू नॉट क्या होगा भैया आपका एच न्यू नॉट, यानी वर्क फंक्शन इक्वल्स टू में प्लैंक कांस्टेंट इनटू में स्टॉपिंग सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और काइनेटिक की वैल्यू तो ईवी नॉट, ईवी नॉट। ठीक है भैया, ये हो जाएगी भैया ईवी नॉट बराबर में एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, बराबर है बात भैया। तो भैया ये होगी आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं इसको, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहती है। और एक बात और ध्यान रखना, यहां पर जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई है, ध्यान रखो मेरी बात सुन लो पहले, यहां पर जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई है, यहां पर आपके एनसीईआरटी के हिसाब से लगाई है,
एनसीईआरटी के हिसाब से कि भैया जो एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन उसका दो काम में, केवल दो काम में इस्तेमाल करेगा, एक क्या है वर्क फंक्शन में यानी निकलने में, दूसरा चलने में। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, आप न्यूमेरिकल, केवल न्यूमेरिकल करने के लिए सिस्टम बनाया गया। देखा गया भैया यहां पर आई है 10 जूल एनर्जी, इसने केवल ली 4 जूल एनर्जी, तो निकलना कितना चाहिए था 6 से, नहीं निकलती 6 से, मामला पलट जाता है। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है कि वर्क फंक्शन उसका क्या है भैया 6 जूल, लेकिन जब वो निकलेगा ना तो उसके आसपास के एटम इन्फ्लुएंस डालेंगे, इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस डालेंगे, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी क्या होती है भैया, निकलने की एनर्जी क्या होती है भैया, चेंज हो जाती है। ठीक भैया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अब रिमेन एनर्जी को भी क्या करते हैं भैया, कम कर देते हैं। ठीक भैया, तो इसकी वजह से ये वाली एनर्जी, लेकिन कैलकुलेशन वाइज जब हमें करनी है तो हमें यही इक्वेशन लगानी है कि एच न्यू इक्वल्स टू में डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी या ईवी नॉट, समझिए भैया। तो ये ध्यान रखना भैया, बाकी आपके हिसाब से एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ठीक है भैया, थोड़ी बहुत एनर्जी का हेर फेर आपको लगता है, ये मत समझना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो रहा है, वायलेशन नहीं हो रहा, फॉलो ही हो रही है, लेकिन वो एनर्जी का दूसरी वे में डिसिपेटिव फोर्स होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिसिपेटिव फोर्स वो होते हैं जो एनर्जी का लॉस कराते हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है ये डिसिपेटिव फोर्स है, विस्कस फोर्स है ये डिसिपेटिव फोर्स है, वैसे ही इसकी सरफेस में भी बहुत तरह के डिसिपेटिव फोर्स होते हैं जिनकी वजह से ये एनर्जी जो होती है वो क्या होता है, लॉस हो जाता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी आपको देखने को नहीं मिलती जो होनी चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, तो भैया आगे बढ़ते हैं, अबे रुक जा, ठीक है अभी और आगे बढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है भैया, इसको हम आगे बढ़ते हैं भैया। तो न्यू नॉट इक्वल्स में देखिए खतरनाक इक्वेशन आने आ रही है, एच अपॉन में ई न्यू माइनस एच अपॉन में ई न्यू नॉट, कोई दिक्कत नहीं भैया, ध्यान दीजिए भैया, ध्यान दे बेटा, ध्यान दे जाते, ये देखिए भैया इस, ये एक इक्वेशन बनी है, ये क्या बनी है भैया, इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये क्या है भैया, वी नॉट एच अपॉन में ई न्यू माइनस एच अपॉन में न्यू नॉट, क्या है एच अपॉन में न्यू नॉट, क्या होता है भैया फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट, क्या होता है भैया वर्क फंक्शन ही तो होता है भैया, देखो वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट की वैल्यू क्या है, एच न्यू नॉट है ना, तो डब्ल्यू नॉट अपॉन में ई। अब बताइए इस पूरी इक्वेशन में कौन कौन सी क्वांटिटी आपकी वेरिएबल है, इस पूरी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में जो इक्वेशन लिखी है इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी आपकी वेरिएबल है, तो आप देख रहे हो भैया एक तो न्यू है इंसिडेंट, एक ये क्वांटिटी वेरिएबल है और एक वो एक क्वांटिटी वेरिएबल है, बाकी ये भी क्या भैया किसी मटेरियल के लिए फिक्स होगा, अब उसका वर्क फंक्शन तो फिक्स ही होगा ना, और उसे कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, कॉन्स्टेंट ही तो आएगा। यहां पर देखिए एच क्या है भैया, कॉन्स्टेंट है, ई भी क्या भैया आपका कॉन्स्टेंट है, तो एच और ई कॉन्स्टेंट, तो ये रेशियो भी क्या हो गया भैया कॉन्स्टेंट हो गया। न्यू क्या है भैया, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, क्या भी आपकी, और आप इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो, इसको बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा भैया, बढ़ जाएगा, क्यों अभी पता लग जाएगा आपको, पता भैया अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो उसके बढ़ने से क्या होगा भैया, फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, तो फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ते के साथ ही निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक बढ़ जाएगी, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अगर काइनेटिक बढ़ती है तो ये तो नहीं बढ़ सकता ना, ये बढ़ जाएगा, अगर ये बढ़ा है तो आपको पता प्रोडक्ट तो इन दोनों के बराबर है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो यहां पे देखिए भैया काइनेटिक एनर्जी आपको दिख रहा है ई कांस्टेंट है, तो हम देख सकते हैं भैया कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या भैया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, समझिए भैया। तो भैया यहां पर देखिए वेरिएबल केवल आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है और स्टॉपिंग पोटेंशियल, जितनी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की भी काइनेटिक बढ़ेगी, उनको रोकने के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। ठीक भैया, ये दोनों यहां पर वेरिएबल है, बाकी और सारे टर्म्स क्या है यहाँ पे भैया कॉन्स्टेंट है। क्लियर है भैया, कॉपी करो बेटा, क्लियर है सबको, ऑनलाइन में हाथ लगा लो भैया, जल्दी से कॉपी करो भैया, कॉपी कर लो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म याद है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पढ़ा होगा, तो देखिए भैया वहीं से निकलता है ये सारा मामला। ओए चुप हो जा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भैया, ये आपकी लीनियर इक्वेशन की एक फॉर्म होती है। ठीक है भैया, तो भैया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है भैया, आपको याद होगा y इक्वल्स टू में एम एक्स प्लस सी, याद है y equals to mx plus c, इस इक्वेशन को लिखते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल्स टू में एच ई है ना न्यू माइनस phi नॉट या y w नॉट लिखते हो आप इसे w नॉट अपॉन में। अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूं, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग
कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। तो वाई देखिए भैया, वाई की जगह पे क्या भैया, स्टॉपिंग मॉड्यूलेशन, क्या भैया स्टॉपिंग मॉड्यूलेशन है ना भैया। फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या भैया, एक्स है, अभी बताया था ना वाई पे डिपेंडेंट वेरिएबल आता है, एक्स पे कौन आएगा भैया, इनडिपेंडेंट वेरिएबल यानी फ्रीक्वेंसी, समझ गए, दिख रहा है एकदम साफ साफ। और भैया यहाँ पे एम क्या है, एम क्या है, स्लोप, अब स्लोप क्या है भैया, एच अपॉन बी। अब बताइए भैया ये तो वेरिएबल है, क्या भैया फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो ये भी क्या होगा भैया, वेरिएबल ही रहेगा, आपको वैसे ही पता है एक्स और वाई क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और ई क्या भैया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, ये रेशियो क्या होगा, पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट रहेगा। इसीलिए मैंने कहा था भैया कोई सा भी ग्राफ खींच लो उसमें केवल एच और न्यू बदलेगा, सॉरी ये वी नॉट और फ्रीक्वेंसी ही बदलेगी, बाकी उसका स्लोप क्या रहेगा भैया, एच अपॉन में ए ही रहेगा। ठीक है भैया, बेटा ऑनलाइन में सबको क्लियर है भैया, ऑनलाइन में सबको क्लियर है भैया, केवल ये दोनों वेरिएबल रहेंगे यहां पर इस वाली इक्वेशन में, बाकी सारी टर्म क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। ठीक है भैया, स्लोप। और दूसरे तरीके भैया सी, सी जो है वो क्या भैया, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट ये, ठीक है भैया। तो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या भैया, माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन में ए, क्या है ये, तो खैर वाई इंटरसेप्ट मतलब होता है कि वाई पर कहां काट रहा है, वाई पर वो लाइन जो खींची हमने कहां काट रही है, तो वाई पर जहां पे काटता उस पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और एक्स पे हमने क्या रखा है, फ्रीक्वेंसी, क्या रखा भैया, तो जीरो फ्रीक्वेंसी पे, अभी खैर अभी बनाता हूं ग्राफ तो देख लीजिए, ठीक है भैया, अभी तो इतना ही रहने दीजिए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नहीं ये तो लिखा हुआ है, अभी नहीं बटोरा मैं इसको, ठीक है भैया। अब देखिए भैया हम ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पे, ये क्या भैया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये क्या भैया आपका फ्रीक्वेंसी का कोऑर्डिनेट है, तीन चार लाइन पार्ट दी हमने, ठीक है, ए बी सी, तीनों का स्लोप क्या होगा भैया, आइडेंटिकल होगा, पता है क्यों, क्योंकि भैया हमें पता है भैया कोई से भी फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के हिसाब से सारे स्लोप क्या होते हैं भैया, आइडेंटिकल होते हैं। स्ट्रेट लाइन इसलिए क्या, क्योंकि आपको पता है भैया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली टू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ये बढ़ेगी तो फोटोन की एनर्जी क्या होगी भैया, बढ़ेगी, और फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक बढ़ी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बढ़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा भैया, ठीक है भाई। तब देखिए भैया ग्राफ खींचा तो सबका स्ट्रेट लाइन खींचा, ये देखो खींच दिया, और सारे सबका स्लोप क्या था भैया, आइडेंटिकल था, कितने भी कोई सा भी मटेरियल ले लो, कोई सा भी मटेरियल ले लो उसके साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराओगे तो सब एक दूसरे क्या होंगे भैया, ग्राफ खींचोगे तो सब एक दूसरे क्या होंगे भैया, पैरेलल। आपको पता है भैया इसने पहले इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, यानी मोर सेंसिटिव, ये थोड़ा आगे कर रहा है तो लेस सेंसिटिव देन ए, और लीस्ट सेंसिटिव, क्योंकि सबसे ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसकी है, मतलब वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा क्या हुआ इसका, तो मैं इसका लिखता हूं वर्क फंक्शन क्या, इसका डब्ल्यू ए, इसका क्या भी है डब्ल्यू बी, और इसका क्या भी है डब्ल्यू सी, तो डब्ल्यू ए सी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू ए, तो लीस्ट फोटो सेंसिटिव, डब्ल्यू सी क्या भी आपका, सी क्या भी लीस्ट फोटो सेंसिटिव, लीस्ट फोटो सेंसिटिव, मतलब इसके ऊपर ज्यादा एनर्जी गिरेगी ना तभी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, भैया। और ए क्या भैया, मोर फोटो सेंसिटिव, ठीक है भैया, ज्यादा फोटो सेंसिटिव है, और ए क्या भैया, समझिए भैया कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए इसको ग्राफ को आगे बढ़ाते हैं, यहां पे खेल दिया, ये क्या वाई इंटरसेप्ट ऑफ ए, ये क्या भैया वाई इंटरसेप्ट ऑफ बी, ये क्या भैया वाई इंटरसेप्ट ऑफ सी। अब देखिए इसको हम लिखते हैं, इसका वाई इंटरसेप्ट क्या, डब्ल्यू ए अपॉन में ई नॉट माइनस माइनस डब्ल्यू बी अपॉन में ई नॉट, ठीक है भैया, डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी डब्ल्यू सी क्या भैया वर्क फंक्शन है, क्या इनके भैया वर्क फंक्शन है, ठीक है भैया, और ये क्या भैया डब्ल्यू सी अपॉन में ए। तो भैया देखिए ये एक्चुअल में आपका, देखिए इस कोऑर्डिनेट को अगर हम देखते हैं तो किस पे है भैया, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले कोऑर्डिनेट पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन को रोकना है, लेकिन वाई एक्सिस पे है तो इसका मतलब, अच्छा इस पे देखिए फ्रीक्वेंसी क्या भैया, इन पॉइंट्स की वैल्यू बताइए, तो दिस कोमा जीरो, मतलब जो भी है एक्स एक्सिस क्या होगा, जीरो होगा ना, पे वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होगा, और एक्स पे है क्या फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी पे ए का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो ये होगा, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता ये चीज, क्योंकि जीरो फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो आप जब भी अप्लाई करते हो जब निकलता है, लेकिन जीरो पे तो निकलना ही नहीं है, जब जीरो पर निकलेगा ही तो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई नहीं करोगे, लेकिन यहां पर इसका सिग्निफिकेंस क्या, वाई इंटरसेप्ट का ये बताता है, जीरो फ्रीक्वेंसी पर
ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, जीरो फ्रीक्वेंसी पर बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, जीरो फ्रीक्वेंसी पर सी का, तो वाई इंटरसेप्ट समझ में आ गया भैया क्या सिग्निफिकेंस है वाई इंटरसेप्ट का, तो वाई इंटरसेप्ट क्या देगा भैया, गिव्स अस द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एट जीरो फ्रीक्वेंसी। बेटा क्लियर है सबको, ऑनलाइन में ऑफलाइन में सबको भैया, सबका स्लोप क्या रहेगा, इसका भी स्लोप क्या रहेगा एच अपॉन में ई, इसका भी स्लोप क्या रहेगा भैया एच अपॉन में ई, इसका भी स्लोप क्या रहेगा भैया एच अपॉन में, सबका स्लोप क्या रहेगा एच अपॉन में ही रहेगा। बेटा ऑनलाइन में किसको इसको क्लियर है पूरा अच्छे से, टकर सबको क्लियर है एकदम, जल्दी करो बच्चा, कह रहे भैया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, तो भैया आप आसानी से निकाल सकते हो, आपको एम पता है स्लोप पता होगा, तो एच इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा भैया स्लोप इनटू में ही, स्लोप आपको पता रहेगा लाइन का, ग्राफ खींचा आपने तो स्लोप, ई की वैल्यू आपको पता है, तो एच इनटू में क्या हो जाएगा भैया आपका, सॉरी एम इनटू में ही क्या होगा भैया आपका आ जाएगा भैया, क्लियर है स्लोप बोले तो टेन थीटा, ठीक है भैया। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, एच की वैल्यू क्या होगी, ठीक है भैया, तो आपको पता है टेन थीटा इक्वल्स में क्या है एच अपॉन में ही है, तो एच क्या होगा भैया आपका, एच क्या होगा भैया ई इंटू में टेन थीटा, और टेन की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो इस तरीके से, ये क्या भैया बेस, ये क्या भैया परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर क्या देगा टेन थीटा देगा, तो आप यहां से आप एच की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। बड़ा क्लियर है चीज ऑनलाइन में कि भैया कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि भैया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच, तो एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो एच की वैल्यू। मिटो दो भैया, देखिए भैया अब इससे कुछ कुछ कंक्लूजन निकलेंगे इस इक्वेशन से, ध्यान दीजिए भैया इस इक्वेशन से कई सारे, ए चुप हो जा, इस इक्वेशन से कई सारे कंक्लूजन निकल रहे, मिटो भाई चलो, अरे वो कहाँ है गुजर ऑफलाइन, तो देखिए भैया अब बात करता हूं भैया इस इक्वेशन के कंक्लूजन के, तो पहला हमने देखा भैया तो कंक्लूजन क्या है भैया, देखिए कंक्लूजन पहला कंक्लूजन है कि फोर एमिशन, यहां से हम देखेंगे भैया फोर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन सब पता आपको, दोबारा लिख रहा हूं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, कई बार ऐसा ही पूछा जाता है कि क्या कंक्लूजन था जो इक्वेशन आपकी आई है उससे क्या कंक्लूजन निकलता है, तो फोर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए क्या होगी भैया फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, दूसरा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू में ईवी नॉट, तीसरा क्या कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी, और तीसरा चौथा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, भैया एक कंक्लूजन निकला था भैया, और जो हमारा स्लोप था स्लोप यानी एम इक्वल्स टू में एच अपॉन में ई, ये चीज कांस्टेंट थी हमेशा, वाई इंटरसेप्ट हमने देखा था इस इक्वेशन से, वाई इंटरसेप्ट और इसका क्या सिग्निफिकेंस था वो भी बता दिया भैया, ये कहा था भैया डब्ल्यू नॉट अपॉन में ई के भैया, और वाई इंटरसेप्ट क्या था गिव्स द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एट जीरो फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग, तो भैया ये सारे कंक्लूजन निकल के आते हैं यहाँ पे, ठीक भैया। और एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आपने देखा पूरी इक्वेशन में कहीं इंटेंसिटी आई, अब इक्वेशन ड्राइव की थी, तो इसका मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, क्या भैया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसी से हमने कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल is independent on the of the क्या भैया intensity of incident radiation, ठीक भैया। तो ये हमने कुछ conclusion देखे जो इस equation से निकल गया, फटाफट देख लीजिए बेटा, clear है भैया सबको, ये सारे conclusion clear है भैया, ये पूरा chapter है समझ लो, ये दो लाइन में पूरा चैप्टर है, ये इतने पेड में पूरा चैप्टर है, ये सारा पढ़ लिया हमने सारा कुछ, ठीक है फटाफट देखिए भैया,
जल्दी से देखिए भैया, ठीक है ऊपर है छोटे छोटे, हाँ वो ग्रिल लग रही है। नहीं भाई अभी थोड़ा आया चैप्टर थोड़ा सा। मिटो दो भैया, मिटो दो। देखिए भैया क्वेश्चन क्या है, चलो देखिए भैया पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है टुच्चा सा, ठीक है भैया, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है और उनसे पूछ लेता फोटोन की एनर्जी क्या होगी। तो ये ध्यान रखना भैया, जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी क्या होगी भैया, फोटोन की भी होगी। क्या होगी भैया? क्योंकि रेडिएशन किससे मिलकर बनी है, फोटोन से। तो जो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की होगी वही किसकी होगी भैया, फोटोन की। ये कंसेप्ट लगा हुआ इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है भैया, ध्यान दीजिए भैया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है भैया कि एक रेडिएशन है जिसकी, अच्छा फ्रीक्वेंसी निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अगर फोटोन की एनर्जी जो रखी है, फोटोन की एनर्जी रखी है आपको 663 इलेक्ट्रोवोल्ट, बोला तो 66.3 इनटू 10 इस पावर 1.6 इनटू 10 इस पावर माइनस 90 क्या हो गया भैया, जूल हो गया, याद है जूल में कन्वर्ट कर लिया। आपको क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालना। तो आपको पता है एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, एच इंटू में एफ यानी फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना। तो फ्रीक्वेंसी ई अपॉन में एच कर लोगे भैया, एच की वैल्यू सबको पता है, प्लैंक कांस्टेंट है, हो गया खत्म वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन अच्छा है, अगला वाला क्वेश्चन जो है बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा भैया ये एनसीईआरटी का है और ये, हाँ ठीक है भैया, ये आईसीएसई बोर्ड 1998 में आ रखा है। कह रहा भैया एक लाइट है, एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ रखी है 4950 एंगस्ट्रॉम, बोले तो 4950 गुणन 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ये दे रखी है आपको। कह रहा भैया इज व्यूड एज द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ फोटोन, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन इलेक्ट्रोवोल्ट। तो भैया कह रहा है कि भैया लगातार फोटोन निकल रहे हैं, ठीक है भैया, वेवलेंथ ही है भैया, जो इसकी वेवलेंथ होगी वही वेवलेंथ होगी, फोटोन की भी कंसीडर करेंगे, ठीक है भैया। तो फोटोन की वेवलेंथ भी क्या होगी भैया, आपकी यही होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब फोटोन की होती है रेडिएशन के बराबर, तो वेवलेंथ भी क्या होगी भैया, फोटोन की, समझिए भैया। चलो फिर कह रहा भैया कि आपको, हाँ आपको क्या निकालनी, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी। तो भैया यहाँ पे वेवलेंथ रखा है, एनर्जी क्या होता है, एच न्यू होता है, एच सी अपॉन में क्या लिख दिया, लैम्डा, सब कुछ पता है, कर लोगे भैया, खत्म हो गया। आईसीएससी बोर्ड का इतना घटिया क्वेश्चन था, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है भैया, इसमें कंफ्यूज करने वाली बातें हैं, ठीक है भैया। कह रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी यानी फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया, 6×10⁴⁴ हर्ट्ज, ठीक है भैया, इज प्रोड्यूस बाय लेजर द पावर एमिटेड। देखिए भैया जब भी पावर की बात होगी तो पावर का मतलब होता है एक सेकंड की एनर्जी, पावर की क्या मतलब होता है, जैसे एक सेकंड की वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस के बराबर होती है, वैसे एक सेकंड की पावर क्या होती है, एनर्जी के बराबर होती है। तो एनर्जी क्या रखी है भैया आपको, एनर्जी रखी है भैया आपकी 2×10⁻³ एनसीईआरटी का भैया वाट, जूल लिखो, 4 1 सेकंड 4, हम एक सेकंड के लिख रहे हैं, अगर एक सेकंड के लिए नहीं लिखते तो यहां पे वाट लिखना पड़ता, ठीक है भैया, वाट लिखते, अगर मैं ये नहीं बताता कि एक सेकंड की पावर है ये, अभी तो एनर्जी लिखा, एनर्जी इसलिए लिखा क्योंकि मैंने एक सेकंड बोल दिया सामने से, ठीक है भैया। तो जो पावर होगी एक सेकंड के लिए वो क्या होगी, एक एनर्जी के बराबर होगी एक सेकंड की, ठीक है भैया। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा भैया कि भैया कह रहा है कि बताइए कि प्रत्येक फोटोन की एनर्जी क्या होगी। तो एनर्जी क्या होता है, एच न्यू फ्रीक्वेंसी इधर क्या आप निकाल लोगे, सिंगल फोटोन की एनर्जी ऑफ, सिंगल फोटोन कह रहा, बताइए एक सेकंड में कितने फोटोन आ रहे हैं। ओए देखो भैया एक सेकंड में कितने फोटोन आ रहे हैं, एक सेकंड में कितने फोटोन आ रहे हैं, तो बता दो भैया आपको एक सेकंड में कितने फोटोन आ रहे हैं, अभी भैया एक सेकंड में कितने फोटोन आ रहे हैं, ध्यान दीजिए भैया। तो एक सेकंड में आपको पता है भैया एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी, ये क्या है भैया, कुल एनर्जी, एक सेकंड में कुल एनर्जी, एक फोटोन के पास एनर्जी, एक सेकंड की कुल एनर्जी। तो आपको पता है भैया टोटल एनर्जी क्या होता है,
टोटल एनर्जी इन वन सेकेंड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन सेकेंड इंटू में एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन की एनर्जी इंटू में एक सेकेंड में जो फोटोन आ रहे हैं वो क्या होगा, एक सेकेंड की कुल एनर्जी के बराबर रहेगा। एक सेकेंड में कुल फोटोन की संख्या, एक फोटोन के पास की एनर्जी, एक सेकेंड में कुल फोटोन, एक फोटोन के पास एनर्जी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या देगा भैया, टोटल एक सेकेंड की एनर्जी देगा। तो टोटल एक सेकेंड की एनर्जी कितनी भैया, ये 2×10⁻³ नंबर ऑफ फोटोन हमने क्या लिया एन एज्यूम किया, और एक फोटोन की कुल एनर्जी क्या रखी है भैया आपको ये एच एफ, तो भैया एन निकाल लोगे, निकाल लो भैया, ठीक भैया फटाफट क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है सबको, जल्दी से बता दीजिए आगे बढ़ते फिर, ठीक है मिटो रो भैया। चलो भैया मिटो रो भैया, मिटो रो, ठीक है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं देखूंगा आपको ट्राई करना है इसके ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है भैया। और देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन कर रहा है, देखिए भैया अगला क्वेश्चन भैया सीबीएसई सैंपल पेपर का ही है, ठीक है भैया। आपको वेवलेंथ रखी है, क्या रखी है भैया वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर मीटर, ठीक है भैया। कह रहा भैया जो पावर है, पावर बोले तो एनर्जी एक सेकेंड की 66 जूल फॉर वन सेकेंड, तो भैया कह रहा कितने नंबर ऑफ फोटोन आएंगे, एक सेकेंड की कुल एनर्जी रखी है, एक फोटोन की वेवलेंथ रखी है, तो हम निकालते भैया एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन क्या होगा बेटा, आपको पता है भैया इक्वल्स टू में सी एच सी अपॉन में लैम्डा, ये एक भैया, और आपको पता है एक सेकेंड की कुल एनर्जी कितनी है भैया इतनी, तो भैया टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा, एक सेकेंड के फोटोन गुणे में एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, फोटोन सिंगल फोटोन की कुल एनर्जी आपको पता कितनी भैया, सिंगल फोटोन की कुल एनर्जी कितनी है भैया बताइए, क्या भैया ये रही ये निकली, नंबर ऑफ फोटोन कितने भैया एन, और एक सेकंड की कुल एनर्जी कितनी भैया, तो यहां से आप एन की वैल्यू निकाल लोगे, आसान है। तो ध्यान रखना जब भी आपको एनर्जी दे रखी हो तो समझ जाना भैया, सॉरी पावर दे रखी होगी तो एक सेकंड की एनर्जी है, ठीक है भैया आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो भैया मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।